नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीलेश और आपका एग्जाम गुरु जी के 15 दिसंबर दिन गुरुवार के करंट अफेयर्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। करंट अफेयर की शुरुआत करने से पहले आप सभी को एक जानकारी दे देते हैं। यदि आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आपका टारगेट एग्जाम निकालना है और आप इस एग्जाम को लेकर के थोड़े भी सीरियस हैं, तो एग्जाम गुरु जी के प्री और मेंस के नोट्स में चल रहे हैं ऑफर। प्री के नोट्स के साथ आपको डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मिलती है, वहीं मेंस के नोट्स के साथ आपको एमपीपीएससी जो मुख्य परीक्षा की टेस्ट सीरीज है 1295 रुपए की 2021 की टेस्ट सीरीज, इसमें आपकी कॉपियां चेक की जाती है, ये आपको साथ में मिलती है। ये सभी जो बुकलेट्स हैं ये आपके घर पे बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के आपके घर पे डिलीवर की जाती है। नोट्स पूरी तरह से अपडेटेड हैं। एग्जाम गुरु जी के करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं आज के विचार के साथ, और ये भगवान बुद्ध का विचार है, कहीं पहुंचने से ज्यादा जरूरी है कि हम यात्रा अच्छी तरह से करें। यहाँ पर यात्रा की बात हो रही है, और अच्छी तरह से यात्रा सही रहेगी तो लक्ष्य तक जरूर पहुंच जाएंगे। देखिए, आपकी यदि तैयारी चल रही है तो वो एक यात्रा है, और उसका यदि हमें लगातार हमारी यात्रा यानी हमारी तैयारी हमारी पढ़ाई यदि लगातार चलती रहेगी, हम अपने लक्ष्य को लेकर के अपने मार्ग पे एक सही मार्ग पे हम लगातार चलते जाएंगे, हमारी स्ट्रेटजी सही रहेगी, हमारी जो दिनचर्या है वो उसी प्रकार से अनवरत जारी रहेगी, हम अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहेंगे तो एक दिन हम लक्ष्य तक जरूर पहुंच जाएंगे। भले ही बीच में रास्ता दुर्गम हो, यानी बीच में कभी कोई भी चीज हो, कोई भी डिसीजन आए, कोई कोर्ट का डिसीजन आए, कभी कैलेंडर बदले, ये यात्रा के मार्ग में बाधाएं होती हैं, लेकिन जब हम अपनी पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखते हैं, हम अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित होते हैं, तो हमारे आसपास ऐसे बहुत से उदाहरण होते हैं कि कितनी भी विषम परिस्थितियां होती हैं, चाहे वो गरीबी हो, चाहे वो आर्थिक स्थिति खराब रही हो, चाहे वो उनके शारीरिक उनके साथ कोई समस्याएं रही हो। आप सभी ने पढ़ा होगा, अखबारों में पढ़ा होगा, इंटरव्यूज में देखा होगा, न्यूज चैनल्स में देखा होगा, कोई रिक्शा वाले का बच्चा है तो कोई कचरा वाले का बच्चा है, तो किसी के हाथ में फ्रैक्चर हो गया, किसी की तबीयत बहुत खराब थी, किसी के घर में कैजुअलिटी हो गई थी। ऐसे बहुत सारे आपको उदाहरण मिलेंगे। आप देखेंगे कि उन्होंने अपनी यात्रा को नहीं बीच में रोका, बीच में समस्याएं गई लेकिन वो अपनी पढ़ाई अपनी बाकी चीजों के साथ उन्होंने कभी समझौते नहीं किए, और एक दिन आप उनको क्यों सुन रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने लक्ष्य को जरूर पाया है। तो यही भगवान बुद्ध का कहना था, ये मेरा कहना नहीं है, ये भगवान बुद्ध का कहना है, तो हमें उनकी बात को ध्यान में रखना है और शुरुआत करनी है पिछले दिनों हमने क्या पढ़ा उसके रिवीजन के साथ। निम्न में से किस भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक को अमेरिकी राष्ट्रपति, अमेरिका का सबसे बड़ा अवार्ड होता है, वहां का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है, ये कृष्णा बबीलाला को मिला है, ये अमेरिकी मूल के नागरिक है, भारत में रहने वाले थे, अब ये वहां की नागरिकता पा चुके हैं। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थानों की स्थापना करी गई है, जिसमें से जो आयुर्वेद संस्थान इसकी स्थापना नई दिल्ली में करी गई है, बाकी के जो 3 संस्थान है उसके बारे में डिटेल से काफी बताया था, और ये आपके प्री के सिलेबस में भी है और मुख्य परीक्षा के सिलेबस में भी है, तो इनको बिल्कुल रट के रखना है। निम्न में से किस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम मनोहर पर्रिकर से किया गया, तो ये मोपा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है गोवा में, जो कि वहां के मोहन जो हमारे पूर्व रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, वहां के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उनके नाम से कर दिया गया है। बेंगलुरु है जो विक्टर ट्रेक की अध्यक्षता की मेजबानी कर रहा है, हाल ही में विक्टर एक्सेलेशन ने BWF वर्ल्ड टूर फाइनल जीता है, और ये डेनमार्क के रहने वाले हैं, कई बार आपसे परीक्षाओं में खिलाड़ियों के गांव घर का नाम भी पूछ लेता है। सकारात्मक सामाजिक प्रभावों के लिए अभिसरण सुशासन समागम का आयोजन किया जा रहा है, ये भोपाल में किया जा रहा है, भोपाल लगभग मध्य प्रदेश का पूरा जो महीना है या कहें साल है, आपको बहुत सारा करंट अफेयर इस पे मिलने वाला है, बहुत सारे इसमें ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ ना ऑर्गेनाइज करेंगे, सरकार भी बहुत सारी गतिविधियां जारी रखेगी, तो इनको बिल्कुल रट्टा मारते रहना है। मध्य प्रदेश में राज घुड़सवारी अकेडमी कहाँ पर है, तो भोपाल पे है, यहाँ पे चैंपियनशिप चल रही है। युवा समागम जो कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा ये 13 जनवरी को किया जाएगा, और युवा नीति भी लॉन्च करी जाएगी, बहुत सारे पुरस्कार दिए जाएंगे। 12 और 13 फरवरी को क्या क्या होने वाला है ये मैंने आपको पिछले दिनों के करंट अफेयर्स में बताया था, उनको कंफ्यूजन में बिल्कुल भी नहीं रखना। सूर्य प्रताप जो शूटर हैं, ऐश्वर्य प्रताप सिंह, ये लगातार करंट अफेयर में आपको मिलते रहते हैं, ये शूटिंग के हैं, अभी इन्होंने दिल्ली में जो चैंपियनशिप चल रही है वहां पर गोल्ड जीता है। स्वयं सिद्धा स्वावलंबी ट्रेड फेयर का आयोजन किया जाने वाला है, और ये कहाँ किया जाएगा, कटनी में। करंट अफेयर की शुरुआत आज के पहले प्रश्न के साथ, देश भर में कला संस्कृति और शिल्प के संरक्षण और विकास के लिए जो देश का केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय है ये क्षेत्रीय संस्कृति केंद्र बनाता है या स्थापित किया है, तो इनकी संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या है 7। ये कौन कौन से हैं डिटेल्स हम यहाँ पर
देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो संस्कृति मंत्रालय का जो कला, हमारे कला संस्कृति विभाग है, उसने पटियाला, नागपुर, उदयपुर, प्रयागराज, कोलकाता, दीमापुर और तंजावर में ये 7 क्षेत्रीय संस्कृति केंद्र की स्थापना करी है। इनका काम क्या है? ये सभी क्षेत्रीय संस्कृति केंद्र हैं। ये इनका एक दायित्व होता है, अपने इनको एक क्षेत्र दिया जाता है। जरूरी नहीं है कि प्रयागराज केवल प्रयागराज देखे, वो मध्य प्रदेश के भी देख सकता है। तो ये लोग जो कल्चर एक्टिविटीज होती हैं उनको करते हैं, वहाँ की जो कला संस्कृति होती है उसको संरक्षित करते हैं, उसके लिए कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं, लोगों तक अपनी जो कला होती है और संस्कृति से जुड़े हुए कार्यक्रम होते हैं। शिल्प कला कोई भी हो सकती है, शिल्प कला हो सकती है, पेंटिंग्स हो सकती है, सांस्कृतिक गतिविधियां हो सकती है, नृत्य संगीत गायन वादन कुछ भी हो सकता है, रंगोली भी हो सकती है। तो इन सारी चीजों को, उस जो क्षेत्रीयता की पहचान होती है उसको क्या करते हैं, उसके लिए कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं जिससे कि वो जीवित रहे। तो यही इसका मुख्य काम है, केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। 7 केंद्रों की स्थापना करी गई है, लगभग इनके 42 क्षेत्रीय उत्सव होते हैं। और वर्तमान में यदि बात करी जाए केंद्रीय संस्कृति मंत्री की, तो वो जी किशन रेड्डी हैं। प्रश्न क्रमांक 2 में चलते हैं। महर्षि अरविंदो हैं, इनका जन्म किस जगह पर हुआ था? तो जो इनका जन्म हुआ था वो कोलकाता में हुआ था, कोलकाता बोलते हैं, अब वर्तमान में कलकत्ता बोला जाता है। महर्षि अरविंदो का नाम आपने सुन रखा होगा, और ये पहले क्रांतिकारी थे। फिर इसके बाद क्या हुआ था कि जो अलीपुर बम कांड है उसमें इनको अंग्रेजों ने जेल में रख दिया था। उसके बाद जब बाहर निकले तो ये दर्शन शास्त्र के बहुत बड़े, आप ये कह सकते, दर्शन और शिक्षा को लेकर के ये बहुत बड़े हमारे एक विद्वान के रूप में बाहर आए। तो आजादी के अमृत महोत्सव में क्या हुआ है कि अभी इनकी जो 150वीं जयंती मनाई गई है, और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट इन पर जारी करी है। इनका जन्म जो हुआ था वो 15 अगस्त 1872 कलकत्ता में हुआ था, और ये कवि भी थे, क्रांतिकारी थे, फिर इसके बाद राष्ट्रवादी कवि हुए, फिर शिक्षाविद हुए, फिर योगी हुए और दार्शनिक हुए। तो इन्होंने लगभग सभी क्षेत्रों पर नाम कमाया था, और इनकी जो पुस्तकें हैं कोर्स है काफी हम लोग पढ़ते हैं कई बार। और इन्होंने क्या है कि इनकी जो शिक्षा दीक्षा हुई थी वो इंग्लैंड में हुई थी। इसके बाद ये वहां पर क्या हुआ कि एग्जाम से इन्होंने क्वालिफाई किया 1893 में, फिर राज्य सेवा के अधिकारी बन गए, और लगभग 13 वर्ष तक उन्होंने जो बड़ौदा रियासत के महाराजा है उनकी सेवा, क्या मतलब जॉब करी उन्होंने, प्रोफेसर भी रहे कॉलेज में। और फिर क्या हुआ कि इसके बाद ये हमारे यहाँ जो क्रांतिकारी गतिविधियां चल रही थी उनमें सम्मिलित हो गए, आजादी की लड़ाई में आ गए, सम्मिलित हो गए, और इनके जो व्यवहारिक रणनीति में भारतीय राष्ट्रवाद के पैगंबर के रूप में चिन्हित किया गया है। तो यदि कभी पूछ लिया जाए तो इनका नाम हमें याद रखना है। और इन्होंने लगभग 1902 से लेकर के 1902 से लेकर 1910 तक इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष में भाग लिया था। फिर क्या हुआ कि 1908 में जो अलीपुर बम कांड हुआ उसमें क्या हुआ, इनको गतिविधि में इनको संदिग्ध पाया गया और इन्हें अंग्रेजों द्वारा जेल पर डाल दिया गया। बाद में क्या हुआ, ये वहां से बाहर निकले और इनका जो एक तरफ से मूवमेंट था वो वापस से यहाँ की तरफ दर्शन शास्त्र योग और शिक्षा के क्षेत्र पे कार्य करने के लिए प्रेरित करने लगे। और इसके लिए इन्होंने आध्यात्मिक समुदाय की एक स्थापना भी करी थी समुदाय की, और 1926 में इन्होंने श्री अरबिंदो आश्रम के क्या करी, स्थापना करी। और इनका जो निधन हुआ आजादी के बाद 5 दिसंबर 1950 को हुआ था। बढ़ते हम लोग प्रश्न क्रमांक 3 की तरफ। निम्न में से किस राज्य को हाल ही में टीबी नियंत्रण कार्यक्रम के लिए, इनका एक कार्यक्रम है टीबी नियंत्रण का, तो उस पे क्या किया गया, पुरस्कृत किया गया? तो वो राज्य है मेघालय। मेघालय ने टीबी के नियंत्रण, जिसे हम लोग क्षय रोग भी कहते हैं, इसके लिए काफी अच्छा कार्य किया है। भारत में लगभग आज की डेट में 2.6 मिलियन लोग हैं जो टीबी से कहीं ना कहीं प्रभावित हैं। तो इस बीमारी को नियंत्रित करने के लिए क्या कहते हैं, इसने राज्य ने जो मेघालय है इसने लगभग इनके यहाँ जो 4189 के आसपास मामले दर्ज किए गए थे, लेकिन ये इतनी तेजी से घटे कि आज की डेट में इनके पास 1075 रोगी इनके पास नामांकित हैं। और इस स्वास्थ्य विभाग इसके लिए क्या कर रहा है, टारगेट बना के रखा है। हमारे देश का जो टारगेट है WHO की जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग 2025 तक हमें टीबी को क्या करना है, खत्म भी करना है, एक राष्ट्रीय लक्ष्य रखा गया है। उसके लिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है, राष्ट्रीय रणनीतिक योजना चलाई जा रही है, 2027 से 2025 तक इसका टारगेट रखा गया है। और टीवी के लिए इन्होंने अपना जो एक प्रोग्राम बनाया है जिससे मेघालय राज्य पे जो टीवी के मरीज हैं उनमें काफी कमी आई है, जिसके लिए इसको क्या किया गया, पुरस्कृत किया गया, जन आंदोलन इन्होंने इसको एक बना दिया है। बात करें तो राजधानी क्या है मेघालय की, शिलांग है। मुख्यमंत्री कौन है, कॉनराड कोंगल संगमा है। राज्यपाल यहाँ के कौन है, BD मिश्रा है।
बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न क्रमांक 4 की तरफ। भारत में जो हर साल राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है, तो ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 14 दिसंबर को। भारत में हमारे यहाँ का राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण की बात हो रही है, पर अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण की बात नहीं हो रही, तो 14 दिसंबर को मनाया जाता है। और जो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो है, इसके द्वारा कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा। और इसका मेन जो फोकस है, देखिए ऊर्जा क्या है, हमारे किसी भी देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण एक आवश्यकता है ऊर्जा। भारत को इस समय ऊर्जा की बहुत आवश्यकता है, लेकिन इसका हम उत्पादन कितना भी करें, लेकिन हम इसका अनाव इसमें मेन फोकस ये होता है कि ऊर्जा का सही तरीके से क्या किया जाए, उपयोग किया जाए। आप जिस कमरे में हैं वहां पे आपको लाइट की आवश्यकता है तो लाइट चलाएं, लेकिन अनावश्यक लाइट नहीं चलाएं। ये अवेयरनेस है, ऊर्जा की हमें आवश्यकता है लेकिन इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके लिए भारत को इसके लिए बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और हमारा बहुत सारे एक्सपेंसेस जाते हैं, बोलते हैं ना विद्युत का कई बार क्षय भी होता, अनावश्यक विद्युत का प्रयोग किया जाता है तो लोड भी बढ़ता है उसके लिए। इसकी जो शुरुआत हुई थी 1991 से हुई थी 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाने की। और हमारे देश में एक ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 लाया गया, जो भारतीय अर्थव्यवस्था की जो ऊर्जा की तीव्रता कम करने के लक्ष्य के साथ अधिनियमित किया गया। और ऊर्जा क्या है, एक इसके पूरा का पूरा जो फोकस है अवेयरनेस फैलाने का है। जितने भी हमारे दिवस मनाए जाते हैं इसका ज्यादा उपयोग किया जाए, लेकिन उसके साथ साथ हमारी जो जिम्मेदारियां हैं उनका भी निर्वहन किया जाए। प्रश्न क्रमांक 5 में आते हैं, निम्न में से किस भारतीय फिल्म ने 2 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार के लिए नामांकन हुआ है? गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जो दिए जाते हैं इसमें इसका नामांकन हुआ है और 2 जगह पे हुआ है, ठीक है, 2 पुरस्कारों के लिए हुआ है। तो मूवी कौन सी है, वो RRR RRR साउथ की मूवी है, बाहुबली के बाद ये अगली मूवी है जो काफी प्रचलित हुई है RRR। और ये एक्चुअली मूवी जो है ना, ये अभी जो आपने साउथ का भी प्रधानमंत्री ने उस पर एक कार्यक्रम भी आयोजित किया था, तो जो अल्लूरी सीताराम राजू हैं और कोमाराम भीम हैं, ठीक है, ये दोनों आदिवासी समाज से आते थे। इनकी स्वतंत्रता के पूर्व जो एक इनकी गतिविधियां थी, एक तरह से हमारे यहाँ रॉबिनहुड कहे जाते हैं, तांत्या मामा, उसी प्रकार से ये भी उस क्षेत्र के रॉबिनहुड थे, उन पर आधारित है, उनकी कहानी को मॉडिफाई करके लाया गया है। और जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स है 2023 में आयोजित होने वाले जनवरी में, ये अमेरिका के द्वारा दिए जाते हैं, जो इसे लगभग आप ये कह सकते हो कि ऑस्कर की कैटेगरी का पुरस्कार माना जाता है। वहां पे 2 क्षेत्रों पे ये नॉमिनेट हुई है, तो हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन के ने आरआर को नॉमिनेट किया है। 2 कैटेगरी है, एक तो बेस्ट नॉन इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म पे, और दूसरा इसका जो गाना है नाटू नाटू, जिसपे इन्होंने डांस किया था दोनों ने, क्या कहते हैं जूनियर टीम ने और इसने रामचरण तेजा ने, तो उस गाने को भी क्या किया गया है, नॉमिनेट किया गया, ओरिजिनल गाने के लिए नॉमिनेट किया गया है। फिल्म के डायरेक्टर कौन है, तो SS राजमौली है, और इन्हें न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी मिल चुका है। और RRR जो है इंटरनेशनल अवार्ड कैटेगरी में जगह पाने वाली अकेली इंडियन फिल्म है। तो अब देखते हैं अवार्ड जब मिलेगा उसके बाद फिर करंट अफेयर्स में खबरों में आएंगे तो उस पर जरूर सम्मिलित किया जाएगा। बात करी जाए अर्जुन ठाकुर की, तो इनका संबंध किस खेल से है, तो जो इनका संबंध है वो शूटिंग से है। अभी क्या हुआ है कि जो हमारे यहाँ नई दिल्ली में 65वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप चल रही है, वहां पे हमारे प्रदेश की 3 तिकड़ियां हैं, ये इन्होंने बहुत सारे जो मेडल है वो जीते हैं। तो ये मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग एकेडमी के खिलाड़ी एक अर्जित सिंह यादव, अर्जुन ठाकुर और ऋतुराज बुंदेला, इन्होंने कांस्य पदक जीता है। सीनियर टीम इवेंट में अर्जुन ठाकुर, अर्जित सिंह, ऋतुराज बुंदेला, इन्होंने रजत पदक जीता है। वहीं पर बात करिए जूनियर टीम में, तो अर्जित सिंह, ऋतुराज बुंदेला और अतुल सिंह ने रजत पदक जीता। जूनियर महिला स्केट इवेंट में वंशिका तिवारी, काजल सिंह और शिवानी ने कांस्य पदक जीता है। बढ़ते हैं आगे की तरफ प्रश्न क्रमांक 7 में, उमंग नेशनल व्हील चेयर क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था, इसका कहाँ किया गया था? ये जो प्रतियोगिता आयोजित हुई थी ये भोपाल में हुई थी, और इसमें एक खिलाड़ी फेमस हुए थे, वो है अनिल सिंघानिया। इन्हें टूर्नामेंट में मैन ऑफ द मैच दिया गया था, इनका नाम आप थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे। और ये क्या है, अंतर्राज्यीय दिव्यांग क्रिकेट मुकाबला था जो कि उमंग गौरव दीप वेलफेयर सोसाइटी है इसके द्वारा आयोजित किया गया था, और इसमें लगभग आपके कई राज्यों के खिलाड़ियों ने भाग लिया था, एक उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, यहाँ की जो दिव्यांग क्रिकेट टीम है वो इस पे सम्मिलित हुई थी, और मध्य प्रदेश इस पे विजयी रहा है। हमारे मध्य प्रदेश के सामाजिक न्याय और निःशक्त कल्याण मंत्री कौन है, तो श्री प्रेम सिंह पटेल है। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 8 की तरफ, देवर रण योजना किस विभाग की योजना है? तो ये जो योजना है ये आयुष विभाग की योजना है। आयुष विभाग लगातार खबरों में बना हुआ है। अभी क्या हुआ है कि हमारे यहाँ
जो औषधि पौधों के प्लांट्स लगाए जाते हैं उसको लेकर के एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जा रहा है और टारगेट किया जा रहा है कि लगभग सभी लोग के यहाँ या हम एक हर जिले पे एक प्लांट लगाएं, एक कोई इसको क्या कहते हैं औषधि गार्डन बनाने का चल रहा है। इस वजह से ये खबरों में आया है। और ये जो योजना चलती है देवारण्य योजना, इसका जो मुख्य उद्देश्य है जो हमारे वनवासी होते हैं ठीक है, इनको रोजगार के अवसर प्रदान करना। क्योंकि वनवासियों को क्या है, जो हमारे आदिवासी समाज होते हैं इनको जड़ी बूटियों का बहुत नॉलेज होता है, इनके पास अथाह ज्ञान है जड़ी बूटियों का, क्योंकि इनका वनों के साथ एक बहुत लगाव होता है। तो सरकार ये चाहती है कि इसके ज्ञान को क्या किया जाए, इसके ज्ञान को इनको अर्थव्यवस्था, इनकी एक आर्थिक स्थिति मजबूत करी जाए, इनके एक इनकम का साधन बनाया जाए कि ये ज्ञान से इस अपने इस नॉलेज से ये पैसा भी कमा सके ठीक है, ताकि इनकी आर्थिक स्थिति सुधरे। तो इसी के उस पे चालू की गई है देवरण योजना। इसमें वनवासियों के द्वारा क्या होता है, जो औषधियां होती हैं सरकार के द्वारा खरीदी जाती हैं, फिर इसको जो फार्मासिस्ट कंपनियां होती है वहां पे भेजा जाता है और वहां से फिर मेडिसिन बनती हैं, उसका मूल्य उन्हें अच्छा मिलता है। प्लस फार्मा कंपनियों को क्या होता है, एक सही जड़ी बूटियां मिलती हैं और वहां पे शोध होते हैं कि किस कड़ी जड़ी बूटी का क्या प्रयोग है, जो इस जानकार होते हैं वो भी इसके बारे में बताते हैं। तो एक अर्थ बोलते हैं ना कि एक हमारी जो आदिवासी समाज है उसकी अर्थव्यवस्था भी धीरे धीरे क्या होगी, मजबूत होगी। इसके लिए भोपाल का जो पंडित खुशीलाल शर्मा है, यहाँ पर जो शासकीय महाविद्यालय आयुर्वेद महाविद्यालय संस्थान है वहां पर जनजाति बहुल जिले जो मंडला डिंडोरी अनूपपुर शहडोल, यहाँ पे इस विश्वविद्यालय इस कॉलेज के माध्यम से महाविद्यालय के माध्यम से यहाँ पर प्रोजेक्ट संचालित किया जा रहा है। और जो जनजाति क्षेत्र के वैद्य हैं इनकी जो इनका नॉलेज है इसको एक मान्यता दिलाने के लिए भी सरकार का प्रयास चल रहा है। इसके लिए सरकार ने क्या है अलग से एक बजट भी अलॉट किया हुआ है। बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न क्रमांक 9 की तरफ। निम्न में से किसे देश की पहली सोलर सिटी के रूप में भी जाना जाएगा, तो वो है सांची। अभी क्या है, सांची में सोलर रूफटॉप के लिए एक जनजागृति मेले का और शिविर का आयोजन किया जा रहा है। ये 12 से 18 दिसंबर तक चलेगा। यहाँ पर जो भी सरकार की योजनाएं चल रही हैं जो कि सोलर रूफटॉप से रिलेटेड हैं, सोलर पैनल से लगाने से रिलेटेड हैं, उसके बारे में लोगों को अवेयर किया जाएगा। कितनी सब्सिडीज मिल रही है, सरकार क्या योगदान कर रही है, आपको किस प्रकार से सहायता कर रही है। तो 12 से 18 तक वहां पर कैंप लगेगा और सरकार का टारगेट है कि लगभग 7.3 मेगावाट जो बिजली है उसका उत्पादन किया जाए। और साथ में स्ट्रीट लाइट, गार्डन लाइट, जो स्ट्रीट लाइट, हाई मास्क लाइट ये सब होती है वो वहां पर लगाई जाएंगी। लोक परिवहन जो हमारे यहाँ ई रिक्शा वगैरह चलते हैं, चार्जिंग स्टेशन होते हैं, यहाँ पर भी अच्छा ऊर्जा का प्रयोग किया जाएगा। बात करें सांची की तो ये रायसेन जिले में आता है और यहाँ पर जो अशोक है, पहली बात तो आप ये समझ जाइए कि सांची का बुद्ध से बहुत, एक तरह से कहो आपकी बुद्ध का, बुद्ध से जो बौद्ध धर्म से संबंधित लोग हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा स्थान है, लेकिन बुद्ध से डायरेक्ट नहीं है। बुद्ध का यहाँ पर कभी भी आना जाना उनका नहीं हुआ, उन्होंने कभी यहाँ पर यात्रा नहीं करी, लेकिन उनके लिए एक बहुत पवित्र स्थान माना जाता है। क्योंकि अशोक ने जो यहाँ पर पहला स्तूप बनवाया था, अपना जो पहला स्तूप बनवाया था अशोक ने यहीं पे बनवाया था। इसके बाद लगातार इस पे इनोवेशन हुए, अलग अलग काल पे इसमें कुछ ना कुछ कार्य किए गए हैं। और इसमें जो हमारे यहाँ का राष्ट्रीय प्रतीक है वो भी यहीं से लिया गया है। फिर क्या हुआ, ये विलुप्त सा हो गया एक प्रकार से, फिर इसकी खोज अंग्रेजों के द्वारा 1880 में पुनः करी गई। और ये जो इसका श्रेय दिया जाता है बंगाल की कैवलेरी है जनरल हेनरी टेलर को दिया जाता है ठीक है। फिर 1989 में यूनेस्को ने इसको क्या किया, विश्व विरासत स्थल सूची में भी शामिल किया गया। लेकिन इसकी जो पहली वैज्ञानिक खुदाई हुई थी वो अलेक्जेंडर कनिंघम के समय पे हुई थी 1851 में। फिर इसके बाद इसकी फिर से खोज करी गई। और यदि इसका हम लोग इसके पहले के काल की बात करें तो ये जो मांडू के सुल्तानों का यहाँ पर जब 15वीं शताब्दी के आसपास शासन था और शेरशाह सूरी ने यहाँ पे पूरणमल के माध्यम से कब्जा भी किया था, अकबर के समय में जो रायसेन है ये मालवा में सरकार का एक मुख्यालय रहा है। बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न क्रमांक 10 की तरफ। और प्रश्न क्रमांक 10 है, हाल ही में मंत्रिपरिषद द्वारा मध्य प्रदेश को देश में शीर्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी और नवाचार के लिए गंतव्य के रूप में स्थान दिलाने की एक नीति का अनुसमर्थन किया गया। मंत्रिपरिषद की बैठक हुई है जिसपे विज्ञान प्रौद्योगिकी से रिलेटेड एक नीति लाई जानी है, तो वो नीति क्या होगी, विज्ञान प्रौद्योगिकी की नवाचार नीति 2024 होगी। मध्य प्रदेश में जो अगली नीति चालू होगी साइंस एंड टेक से रिलेटेड वो 2024 होगी। इस नीति का आप मेरे से बात करो तो मोटा मोटा उद्देश्य ये है, सरकार का अपना एक टारगेट है, क्योंकि आने वाला जो समय है ठीक है वो बहुत सारी, आप देखिए ई गवर्नेंस कितना तेजी से आगे बढ़ रहा है, 5G टेक्नोलॉजी आ ही रही है, तो
तो ऐसे बहुत सारे काम होंगे जो कि जिन पे जो अनावश्यक समय लगता है वो कम हो जाएगा। अपराधों की क्या होगी, प्रवृत्ति बदल रही है। ठीक है, पहले अपराध अलग तरह से होते थे, लूटपाट के होते थे, अब आपका पैसा कहाँ पे है, आपके फोन पे पेटीएम पे है, उसी से लूटा जा रहा है, ऑनलाइन लूटा जा रहा है। ठीक है, कई बार उसपे आप देखते होंगे फ्रॉड केस हो जाते हैं, तो उसकी बात करो आप, बैंकिंग में भी उसका योगदान है। साथ ही में अब नवाचार का बहुत महत्व, रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ आ गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गया। इसके लिए सरकार क्या करेगी कि जो हमारे यहाँ के टॉप इंस्टीट्यूशंस हैं, आईआईटी आईआईएम हैं, आईआईएमसी हैं, एनआईटी कॉलेज हैं, तो इन सब के साथ क्या करेगी सरकार, इनसे एक तरह से ओएमयू साइन करेगी। ये एक जिला है कोई गोद लेंगे, या आप एक तरह से कहो कि उसके साथ ओएमयू साइन होगा वहाँ का, वहाँ के कॉलेज में या वहाँ के स्थानीय जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर यदि कुछ इनोवेशन नया कुछ करना चाहते हैं तो वो उनकी क्या करेंगे, मदद करेंगे, उन्हें प्रोत्साहित करेंगे। तो हमारे यहाँ क्या होगा, टेक्नोलॉजी का पूरी तरह से अच्छी तरह से आगे बढ़ेगी। साथ ही में जो स्टार्टअप्स होंगे उनको सरकार उनके साथ आईआईटी आईएम वगैरह जो हमारे टॉप इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया के, वो किसी भी स्टार्टअप्स में क्या करेंगे, लोगों के उस प्रोजेक्ट पे मदद करेंगे। और यही सब चीजें टारगेट हैं। साइंस और टेक से रिलेटेड जो भी कार्य होंगे उस पर सरकार क्या करेगी, फोकस करेगी। हमने आपसे कल एक प्रश्न पूछा था, सहस्त्र शिवलिंग मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? आप सभी के उत्तर मिले, चाहे वह नीलिमा हो, मंगल मीना है, चंद्र प्रकाश है, रानी सिंह ठाकुर है, बाकी के लोग, आप सभी ने, काफी सारे लोगों ने आंसर दिया है। और एक प्रश्न था, अच्छी जानकारियां निकल के आई हैं। जो लोग भी करंट अफेयर्स देखते हैं, एग्जाम गुरु जी जिन्हें हार्ट दे देता है, उनके डिटेल्स आप लोग जरूर पढ़ा करें। ये सभी लोग हार्ट पाए हुए हैं, तो आप सभी इनके आंसर जरूर पढ़ा करें। हमने आपसे एक सामान्य सा प्रश्न पूछा था, जो सहस्त्र शिवलिंग है ये मध्य प्रदेश के किस जिले में, इसका सिंपल सा एक उत्तर था मंदसौर। लेकिन मंदसौर से रिलेटेड आपको यहाँ बहुत सारी जानकारी मिलेंगी कि ये जो शिवलिंग है, एक तो पहली बात इसके जो अंदर है ये शिवना नदी के किनारे है और 1,500 से 2,000 वर्ष पूर्व का माना जाता है। और इसमें बात करी जाए तो इसमें 1,000 छोटे छोटे 8 1,008 शुभ अंक माना जाता है हिंदू धर्म में। तो इस 4 फुट जो शिवलिंग है इसके अंदर 1,008 छोटे छोटे शिवलिंग बने हुए हैं, उत्कीर्ण किए गए हैं, इस वजह से ये फेमस है। और इसका जो स्थापना करी थी वो गुप्त वंश के शासकों ने करी थी। और यहाँ पर जो शिवरात्रि होती है हमारे यहाँ, उस पे लगभग जो हमारे शिव मंदिर है शिवरात्रि में वहाँ पे मेला लगता है। और ये इसका जो मंदसौर का पुराना नाम था वो दिशपुर था, कई बार परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। और ओलिवर वंश की जो राजधानी भी रही है, राजवंश की। ठीक है, आस पास बात करोगे तो मंदसौर दूसरा, यदि जाना जाता है तो अपने अफीम के लिए जाना जाता है और गांधी सागर डैम के लिए जाना जाता है। तो ये सारी जानकारी यहाँ पे आप सभी को बहुत सारी मिल जाती है। सिर्फ किसके नाम पे सहस्त्र शिवलिंग की बात हुई थी और मंदसौर से उससे रिलेटेड बहुत सारी जानकारियां आई। हमारे लगभग 7 से 8 प्रश्न सीधे सीधे यहाँ तैयार होते हैं। आप सभी लोग काफी मेहनत करके और अच्छी जानकारियां लेकर आते हैं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप सभी के प्रयास को एग्जाम गुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद भी करता है। और आगे के बढ़ते हुए आज के प्रश्न आप सभी के लिए, ये सतना में एक गोला मठ है, सतना जिले की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, गोला मठ सतना जिले में है। हमें ये बताना है कि ये सतना जिले में कहाँ है, मैहर में है, बिरसिंहपुर में है, रामपुर में है या सज्जनपुर में, ये सभी के सभी सतना के अंतर्गत आते हैं। राइट आंसर नीचे कमेंट करके बताना है। बाकी का यदि आपको उसके बारे में 4 से 5 जानकारियां उस जगह के बारे में हैं तो वो आप हमारे साथ शेयर करेंगे। जिनके आंसर अच्छे होंगे एग्जाम गुरु जी उनको अपना हार्ट देगा। हार्ट देने वाले सभी लोगों से मेरा अनुरोध है, जो लोग भी करंट अफेयर्स देखते हैं, एग्जाम गुरु जी ने हार्ट देता है या जानकारियां शेयर करते हैं, आप उनके मूल उद्देश्य जो है ये आपको गृह कार्य का होमवर्क का वो यही है कि आप करंट अफेयर्स देखने के बाद जो हमारा एक क्वेश्चन होता है होमवर्क, उससे रिलेटेड जानकारियां जो नीचे आती हैं कमेंट में, आप लोग उनको जरूर पढ़ा करें, क्योंकि आपके 7 से 8 प्रश्न तैयार हो जाते हैं पर डे। 8 के 8 क्वेश्चन, उस डिस्ट्रिक्ट का बहुत बड़ा नॉलेज आपके पास एक तैयार हो जाता है, क्वेश्चन बैंक आपके पास अपने आप प्रिपेयर होते चले जाएंगे धीरे धीरे। लेकिन पढ़ने के बाद उनके आंसर्स को लाइक करना नहीं भूलना है, क्योंकि वो हमारे मित्र हैं, हमारे साथी हैं, अच्छी मेहनत करके हमारे साथ ज्ञान साझा कर रहे हैं। तो मैं इसलिए बार बार आप लोगों से बोला करता हूँ कि उनके आंसर्स को आप लोग पढ़ने के बाद जरूर लाइक कर दिया करें, क्योंकि वो आपके साथ क्या कर रहे हैं, ज्ञान साझा कर रहे हैं, तो उनको धन्यवाद प्रेषित करना ये हमारा कर्तव्य हो जाता है, ये हमारी संस्कृति है। ठीक है, करंट अफेयर आप सभी को पसंद आ रहा है तो उसको शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें,
यदि आपके कोई सुझाव या शिकायत है तो नीचे कमेंट बॉक्स में वो भी करें, एग्जाम गुरु जी उसको भी आपके क्या कहते हैं पढ़ेगा। और यदि आप एमपीपीएससी की तैयारी की वीडियो कोर्स लेना चाहते हैं तो एग्जाम गुरु जी की प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है। इनके साथ ऑफर चल रहे हैं, जो प्री का वीडियो कोर्स है उसके साथ प्री के नोट्स मिलते हैं, मेंस का कोर्स जो है उसके साथ प्री प्लस मेंस दोनों नोट्स मिलते हैं। आपको एक एग्जाम की तैयारी करने के लिए जिस जिस चीज की आवश्यकता होती है वो सब कुछ है इसके अंदर। वीडियो लेक्चर्स भी हैं, आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी हैं, पीडीएफ नोट्स भी मिलते हैं, प्रिंटेड नोट्स भी मिलते हैं, और साथ में आपको एक वैलिडिटी मिलती है, यानी आपसे हर साल पैसा नहीं लिया जाएगा। एक ही कोर्स को बार बार परचेज करने की आवश्यकता नहीं है, इसमें लगातार अपडेट्स होते हैं। जिन्होंने 2019 में कोर्स लिया था वो आज 2022 में भी नया कोर्स पाते हैं, वो सारे वीडियोस इसमें अपडेट होते हैं। तो 19 वाले के पास भी वही वीडियो होते हैं और 22 वाले के पास भी वही रहते हैं, और अगले साल जो लेगा उसके पास भी वही रहेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट करना है या एग्जाम गुरु जी का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना। करंट अफेयर पसंद आ रहा है तो उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। हमारी और आपकी मुलाकात अगले करंट अफेयर्स में होती है, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखेंगे, अपनी पढ़ाई को लगातार चालू करके रखेंगे, बिल्कुल नहीं भटकना, ना दाएं भटकना ना बाएं भटकना, अपने लक्ष्य की ओर चलते रहना है। भगवान बुद्ध के जो आज का हमने आपको कोट दिया है उसको शाम तक अपने दिमाग में रखना है, फिर नए प्रेरित वाक्य के साथ मैं आपसे कल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।